उसका हाल ये अलग बात के हाल के अंदर फिर रोज एक नया माजी पैदा होता है। मगर ये पूरी जिंदगी अगर जिंदगी को हाल कह लिया जाए तो मुस्तकबिल दीन की निगाह में क्या है? दीन की निगाह में मुस्तकबिल का नाम आखिरत है। या इंसान ने जिंदगी के बाद पहुंच जाना है और वो लामहदूद दुनिया लामहदूद जिंदगी। तो कोशिश दीन की भी है कि इंसान मारिफत हक को हासिल करे और अपनी जिंदगी को ऐसे सर्व करे कि उसका मुस्तकबिल महफूज हो, अमान में आ जाए। लेकिन अगर हम जमाने की नालतों को जुबान हाल में देखें, यानी इस जिंदगी के पैमाने के अंदर, अभी आखिरत पे तो यकीनन निगाह रहनी चाहिए एक मोमिन की, लेकिन हम इस सब्जेक्ट की स्टडी के लिए मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप जमान का हाल देख रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुसर, आसर की कसम उठाई है कि इंसान को खतरा है। तो फिर आप इस जिंदगी के जमाने का अदू दरबा देखें, जिंदगी की मुद्दत का रिलेशन है उसका एक माजी, फिर उसी तरह एक जमाने हाल है, फिर एक जमाने मुस्तकबिल। बात पहुंच गई। अक्सर लोग जो अपने मंजूर आयात में ये बात रखते हैं कि मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, इस जिंदगी के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं और दूसरा आखिरत वाला मुस्तकबिल भी डिस्कनेक्टेड नहीं है इस मुस्तकबिल से, वाणी को पहले यहां रखें और फिर वहां अप्लाई करते हैं। आपको दावा देते हैं दे रहा हूं ये मजालिस जो मैं पेश कर रहा हूं, मेरी कोशिश है कि आप इन्वॉल्व होके कुछ ना कुछ खुद सोचा करें और एक फिक्र लेकर जाए और उस पे होमवर्क आप खुद कर सकें कि ये जमाना जो है, जमाने का इंसान मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं खामियां रह जाती, अच्छा बन नहीं पाता या वो मंजिल नहीं हासिल होती जिसके लिए सोचा गया। तो उसका एक सबब यह है, यानी स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूं इंसान, तो इसका सबब एक ये है कि इंसान मुस्तकबिल की तामीर इसलिए करने में नाकाम रहता है कि वो अपने माजी का असीर हुआ रहता है। लॉजिकली नफ्सियाती तौर पे वो माजी का ऐसा असीर रहता है कि वो काम जो उसे तामीर मुस्तकबिल के लिए करने चाहिए, माजी की असीरी उसे बहुत से कामों से रोकती है और वो फाइनल नहीं करता, एरर को फाइंड आउट नहीं करता। उसकी एक खासियत देखे, माजी से रिश्ता रखना और बात है, माजी को याद रखना और बात है, माजी का असीर रहना दूसरी बात। हुसैन माजी के वारिस तो हैं लेकिन हुसैन माजी के असीर नहीं। ये आप क्या जानते वारिसा क्या है? सलाम अलैकुम या वारिसा आदम सफरत अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा नूह नबी अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा इब्राहिम खलील अल्लाह। हुसैन माजी के हर रसूल हर नबी के वारिस तो हैं, इसी का नाम लेना के वारिस। उसमें वरासत का जिक्र होता है कि हुसैन वारे से आदम है, वारे से नूह, वारे से मूसा, वारे से इब्राहिम, वारे से ईसा, वारे से सैयदुल मुरसलीन, वारे से अमीरुल मोमिनीन। हुसैन तमाम हस्तियों के वारिस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुसैन ने खुद को माजी का असीर नहीं बनाया। सुभान अल्लाह।
आदम के वारिस हैं, लेकिन मुस्तकबिल बनाने के अंदाज में काम किया उसे, असीरी के अंदाज में। ये नहीं, मैं ये कुछ कह दूं कि माजी के वारिस जरूर है, माजी के असीर नहीं है। जनाबे आदम के वारिस है, लेकिन हमारे आदम के असीर नहीं है। जो कमालात आदम है उनके वारिस है, और उनको उस हालत और कैफियत में जाहिर फरमा रहे हैं कि अगर आदम आज की तारीख में हो तो जो मैं कर रहा हूं वही आदम कर रहे होते। यानी एक मैसेज है, रसूल अल्लाह के वारिस है मगर इस वाणी में नहीं कि कल तक जो कुछ वो हालात थे हुसैन हर चीज उसके मुताबिक करे, नहीं। वारिस किरदार रसूल है, वारिस फिक्र रसूल है, वारिस मिजाज रसूल है। तो तय हुआ कि हुसैन असीर नहीं है, वारिस है, और समझा रहे हैं कि अगर आज रसूल अल्लाह खुद होते करबला में तो वही करते तो हुसैन कर रहा। हमें भी हदीस की दुनिया में सुन्नत, हदीस सुन्नत की तबलीग होती रहती है और पेश किए जाते हैं रेफरेंसेस कि फला काम जो है उस पर क्या करना चाहिए, तो लोग हदीसें लेकर आते हैं। हजरत वो रहना बहुत हदीसें बताएंगे लोगों को, बल्कि लगता अभी तक बताते चले जा। तो वो लेकर आते हैं कि वो इस सिचुएशन में, एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में एक सहाबी से यूं और रसूल अल्लाह ने इस तरह ताइब की या तर्दीद फरमाई या रोका। अब वो वहां से लिया जा रहा, यानी 2019 इसमें एक सिचुएशन दरपेश आए और तलाश करना पड़ जाए कि हजरत अबू हुरैरा ने अपने जमाने में क्या लिखा और फलां शख्स ने क्या किया था। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि माजी से रिश्ता तो रखना पड़ेगा, उसके साय में, उस वरासत के साय में डिसीजन लिया जाएगा, मगर हमें दीन को कयामत की सरहदों तक अगर जाना है तो दीन में वो रावी नहीं चाहिए कि जो ये बताए कि फलां डेट में फलां माजी में फलां ने यूं किया था और उसका नतीजा ये था। हमें कुछ ऐसे आईने चाहिए, मक्तबे तशय्यो इसीलिए तमाम आलम इस्लाम से मुख्तलिफ है, वो माजी के जमूर को अप्लाई नहीं करता ना हाल में ना मुस्तकबिल के। हम ऐसी हस्तियों के कायल हैं कि जो हस्तियां सामने हो और वो इस मियार पे हो कि आप उन्हें देखें और समझें कि अगर आज रसूल होते तो क्या होता। अली के जमाने में क्या जरूरत है कि किसी साहबी से मालूम करें कि फलां सिचुएशन में क्या था। आज जो अली करेंगे इसका मकसद, इसका मफहूम यह होगा कि रसूल ने हसन सुलह करेंगे तो सुलह हुदैबिया सुलह रसूल ने, ये उसी की तमसील है। लेकिन आज रसूल होते तो फिर सुलह होती। हुसैन करबला में गए तो आज रसूल होते तो करबला जाते, जो कुछ हुसैन ने किया सब कुछ रसूल करते। तो हम तस्वीरों के कायल नहीं, हम आईने के कायल। कुछ शख्सियात ऐसी है कि वो आईना है वजूद रसूल। हम सिर्फ पुरानी तस्वीरें निकाल के दीन का फैसला करने के आदी नहीं है। हम इन आईनों से पूछेंगे कि इस जमाने में हादी की रहनुमाई क्या है, यही रहनुमाई रसूल की रहनुमाई। के लिए साबित करना पड़ेगा कि वही औसाफ रखता हो आदि, जितने औसाफ रसूल ने थे वो रहमत का मालिक था तो ये भी रहमत हो, वो दरूद का वारिस था तो ये दरूद में शामिल हो, और वो इस्मत का वारिस था तो ये साहिब इस्मत हो, वो तहारत का मालिक था तो ये भी साहिब तहारत साहिब तदहीर हो। तो जब सारे फजाइल में रसूल के बराबर होगा सिर्फ उसी को यह हक है कि वो ये कहे कि मैं आईन है रिसालत, और जो मैं कर रहा हूं ये हमारे रसूल ने, इसे बामियार है हमारे रसूल ने लिखी, तभी दीन कयामत की सरहदों से मिल सकता है। माजी का असीर दीन कयामत तक नहीं जा सकता।
इतिहाद भी इसीलिए मुतहद जो है वो गैबत में हमें रास्ता बताता है, क्योंकि हम आईने के कायल हैं, तो मुतहद के लिए मासूम तो नहीं बन सकता, लेकिन हमारा जो मर्जा होगा वो अदल में और इल्म में दूसरे जमाने के तमाम लोगों से अफजल हो और जमाने महसूस करें कि जितना अदल इमामत का ख्याल ये शख्स रखता है उतना हम नहीं रख सकते, जितना इल्म दीन मुबीन का इसने हासिल किया उतना हमारे पास नहीं है, इसलिए हम रुजू करते हैं कि गैबत में ये बता दीजिए कि आज इमाम सामने होते तो क्या करते, तो वो एक मुमकिन सूरत हाल पेश करता है, अमरे मुतले वो भी नहीं होता, क्योंकि उसमें वो मुकाम इस्मत पे चूंकि फायज नहीं है, इसलिए मुज्तहिद की जो बात मानी जाती है उसे तकरीर कहा जाता है। बहुत से लोग पोस्टों में आजकल लिख देते हैं ये इमाम की तकरीर में है, हमको मुज्तहिद की नहीं, तो ये सबसे पहले तो ये पोस्ट बजाय तो पोस्ट निकालने वाला बहुत बड़ा इमाम परस्त लग रहा है, ये वो तो इमाम के सिवा किसी की तरफ रुजू नहीं करता, हालांकि बाकी सारे काम इधर उधर से कर लेता है, लेकिन ऐसे ही कोई दीन का मसला है तो वहां जिद रखने के लिए साहिब इल्म से जिद रखने के लिए जमाने ने हवा ऐसी चला दी कि वो उस हवा में चूंके अब उसमें मुअल्लक है, तो वो कह रहा है कि नहीं इमाम के सिवा तो मैं फैसला नहीं करने का आदी, तो मैं मुज्तहिद की बात क्यों मानूं, मैं तो इमाम की तकरीर में हूं। अब ये जुमला लिखकर यह कहकर वो शख्स सबसे पहले ऐलान कर रहे हैं कि जितना ये बेमारफत है इतना बेमारफत है ही कोई, इसलिए कि इमाम मासूम की तकलीद नहीं होती, इमाम मासूम की इताअत होती, इमाम मासूम का इत्तेबा होता है, सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद Yeah.
फैलाने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उन्हें सारे मुजतहिदों से इख्तलाफ है, वो इतने बड़े मुजतहिद, किसी ने उनसे कह दिया कि नहीं मुजतहिद अच्छे नहीं होते, तब वो लिख रहे हैं कि तकरीर मत कीजिए। तकरीर कहते किसी की कही हुई बात पे चलना, तो भाई आप भी तो किसी की तकरीर में मुजतहिदीन के खिलाफ है, तो आपको महामुकल्लद हैं, क्योंकि जहां सुनते हैं उसी के मुकल्लद हो जाते हैं। मजमे में 5,000, 1,000, 1,100 जितने बंदे हैं जो कुछ गए आप अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, आप सबके मुकल्लद हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तकरीर करनी है, बात माननी है तो साहिब इल्म की मानिए, जो इल्म आले मोहम्मद से जिंदगी भर वाबस्ता है, वो इक्तसाब करके आपको दे रहा है, वो अपने फैसले नहीं सुना रहा। सलावत पढ़ो मोहम्मद। वर्षा तर्क नहीं होने देता, उसी वर्षे से आपको निकाल के इस पकड़ करके जदी मसाइल का हल बताए, कुरान के वर्षे से, हदीस के वर्षे से, फरामीन के वर्षे से। तो वारिस होना अलग बात है, मेरी बात यहां की, और माजी का वारिस होना अलग बात है, माजी का असीर होना ये पसमानदगी है। ये जो लफ्ज है ना बैकवर्डिज्म, ये है कि जो शख्स माजी का असीर होकर रह जाए, रह आज में रहा है मगर कैदी माजी का। तो आज के जमाने में हमें वर्षे को नहीं छोड़ना, उसी वर्षे से पूछना है कि अगर वो सिचुएशन कल घोड़े के साथ घोड़े की सवारी पे मसला यूं था, तो आज हवाई जहाज की सवारी पे मसला क्या हो गया। उस वक्त रेलगाड़ी नहीं थी, तो आज जब मैं रेल पे बैठूं तो क्या मसला हो। उस वक्त इंसान खला में नहीं जाता था, तो आज मैं खला में अगर जाऊं तो मैं फिर मसाइल शरिया में कौन सा तरीका इख्तियार, नमाज कैसे पढ़ूं और रोजे का वक्त क्या होगा, ये सारे मसाइल, कितने मसाइल। जमाना चूंकि बदल रहा है, इसीलिए इल्म दीन में भी एक दरवाजा रखा गया कि आप नौ बनौ मसाइल पे इख्तियार के जरिया वर्षा माजी से रोशनी लें और आज के फैसले उस इल्म के साये भी करते थे। बस ये इशारा करना था, बाकी ये बात तो अगर सिर्फ इसी बात पे अगर मैं बोलता रहूं तो सारी तकरीर नजर हो जाएगी, और फिर लोग कहेंगे आज की तकरीर तो मौलाना ने मुजतहिदों पे पढ़ दी। मैं मुजतहिदों पे नहीं पढ़ रहा, ना ही मैं इसका कायल हूं कि मजलिस को मासूम से हटके किसी और पे पढ़ा जाए, लेकिन चूंकि निजाम मासूम की हिफाजत जो कर रहा तो मुहाफिज की सिक्योरिटी की एक अहमियत तो होती। इसलिए बात इस तनाजुर में कि पहले तो आइमा खुद आईनाए रसूल हैं, मैयते रसूल फकत अता अल्लाह, रसूल को तो अल्लाह ने अपना आईना पहचाना, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने बोला मेरी इताअत। अब यही लफ्ज यही आयत इसी का मफहूम अप्लाई होगा कि जिसे रसूल मन तुम तो मौला कह के, अब जिस जिसका मैं मौला हूं जो जो मेरी इताअत कर रहा था अब वो अली की इताअत कर रहा था, रसूल ने से ट्रांसफर किया इमाम का। अब जमाना तीन जमाने, मैंने अर्ज किया कि हम मुस्तकबिल बनाने में नाकाम बाद अवकात इसलिए रह जाते जब माजी के कैदी होते हैं, माजी को बतौर एसेट और वर्षा नहीं लेते, हम माजी में बंधे रहते हैं, खुद गोया हार सुन के माजी में जाके खड़े हो जाते हैं। सलावत पढ़िए अब जमानों की कैफियत क्या है, जरा इस अंदाज से देखिए सुनिए आज, क्योंकि वाला से पर गुफ्तगु है और सूरह वाला से के साथ, तो असल की हैसियत क्या है। इंसान के पास टेंस तीन है, मैंने अर्ज किया जमाने तीन, माजी हाल मुस्तकबिल। लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान, आशना है बहुत से लोग इस लफ्ज से। ज़र्फ यानी कंटेनर या कोई बर्तन के दुनिया को स्टडी करने के लिए हमारे पास रेफरेंसेस दो हैं,
एक ज़र्फ़ ज़मान है, एक ज़र्फ़ मकान है। अच्छा, ज़र्फ़ ज़र्फ़ यानी बर्तन या कोई कैरियर या कोई डिवाइस जिसमें कोई चीज आ जाए। तो अब ये बताइए कि ज़मान और मकान का जब लफ्ज़ बोलेंगे हम और दोनों के लिए ज़र्फ़ यूज करेंगे तो मुहावरतन तो ज़र्फ़ ज़मान कहना ठीक है, कहा जा रहा है हमें कहेंगे, लेकिन अगर आप हकीमाना अंदाज में देखें, साइंटिफिक क्रिटिकल अंदाज में, तो फिर ज़र्फ मकान यानी आज आप इस ज़र्फ मकान में, मस्जिद से पहले आप किसी और ज़र्फ मकान में, तो मकान बदला, दो साल पहले कोई किसी और ज़र्फ मकान में, पाकिस्तान में था कोई इंडिया में, मकान बदल गया ऑस्ट्रेलिया में आया, ये ज़र्फ मकान यानी ज़र्फ बदल रहा है, मकान का जो बहुत बड़ा ज़र्फ है उसमें जगह है, उसमें इतनी जगह है कि पाकिस्तान भी उसी में आ गया, कोई अमेरिका से आया तो वो भी उसी में आ गया, कोई भारत से आया तो भी उसी ज़र्फ में, और ज़र्फ ज़मान ज़र्फ मकान में ये जिस जिस जगह का जिक्र हो रहा है आपके घर का और फिर अज़ाखाने का, तो नामुमकिन नहीं है कि आप फिर लौट के उस ज़र्फ में वापस चले। बहुत मैं आपको बहुत हसास और बहुत एक ज़हीन इशू की तरफ इमारत कर रहा हूँ, ज़र्फ मकान की पहले स्टडी कर रहे, फिर आपको ज़र्फ ज़मान को समझ में आ रहा है। अपने मकान बदला, आप सिडनी से यहाँ आए, सौ बार जाए वापस सिडनी उसी मकान में चले थे, जा सकते पाकिस्तान वापस जा सकते, यानी एक दफा छोड़ा तो ऐसा नहीं हुआ क्या वापस नहीं जा सकते, वैसे काले पानी में आने वाला अक्सर वापस नहीं जाता, ये भी कहा जाता है, मगर नामुमकिन तो नहीं है कि आप चाहें कि मैं अब दोबारा सिडनी में या मेलबर्न में रहना चाहूं तो वो ज़र्फ ज़मान आपसे कहे, ज़र्फ मकान ये कहे कि नहीं आपने छोड़ दिया, अब उसका वजूद भी नहीं रहा, नहीं जब चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं एक ज़र्फ मकान से दूसरे ज़र्फ मकान तक, यहाँ आए हैं चेंज कर दिया था आपने मकान, अब जब मजलिस खत्म होगी आप लौट के घर जाएंगे फिर आप उसी ज़र्फ मकान को दोबारा हासिल करेंगे, बात बात है, ये बात अगर हम ज़र्फ का लफ्ज मकान के बाद साइंटिफिकली ज़र्फ ज़मान कह के पुकारे तो ज़र्फ ज़मान पे ये कैफियत अप्लाई नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कल ये किया था अब मैं फिर कल की तरफ वापस जा रहा मैं जब 40 बरस का था, मैं जब 20 बरस का था, मैं जब 18 बरस का था तो मैंने ये किया था, मैं ये किया करता था, हम उसे मिस तो जरूर करते हैं और मिस इसीलिए करते हैं कि अब उठकर उसमें जा रहे हैं, तो जिस चीज को हम फिजिकली दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते, छोड़े हुए को दोबारा इख्तियार नहीं कर सकते, बल्कि हम नहीं छोड़ते वक्त हमें छोड़ देता, तो हम वहां नहीं जा सकते उस वक्त में वापस, तो मैं ये कहूंगा कि वो लफ्ज ज़र्फ में उस तरह से नहीं समाता मुहावरे में जैसे ज़र्फ मकान समाता है मुहावरे, मगर उनके मवारिस में ये बात ये फ्रेज यूज होती है, ये ज़र्फ ज़मान की बात ये ज़र्फ मकान की, क्योंकि दुनिया दो चीजों से बनी इसलिए दोनों ज़र्फों का नाम लिया जाता है, दुनिया असल दो ही चीजों से बना है, एक जगह से एक वक्त से, दोनों मिल रहे हैं तो दुनिया बन रही है, इसलिए मैं ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान पर बात कर रहा हूं, मैं असल से बाहर निकल के गुफ्तगू नहीं कर रहा, लफ्ज़ असल के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, ज़मान भी मकान भी, और अल्लाह ने कसम उठाई। अब ये देखिए कि माजी क्या है, अभी बात हुई, क्या माजी में वापस जा सकते हैं, कोई शख्स ये कहे कि हाँ मैं माजी में वापस जा सकता, यानी बनफ से नफीस आप माजी में फिर हो, फिर 18 साल से जिंदगी शुरू करें, नामुमकिन,
इसका मतलब माजी कहने को एक लफ्ज तो है, याद रखने को तो एक चीज है, मगर हकीकी जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में माजी से आप टोटल डिस्कनेक्टेड हैं। जितनी सांसें ले रहे हैं ये हमारा माजी बन रही है। गोया हम जब मरते हैं, मैंने ये फिक्र कभी किसी फातह की मजलिस में पहले उसकी थी, जब हम मर जाते हैं तो उस दिन से पहले हम वाकिफ नहीं होते कि हम पे भी मौत आई है, वरना हकीकत ये है कि जितने साल हम जी चुके हैं उतने साल हम मर चुके हैं। लेकिन अभी तस्लीम इसलिए नहीं कर रहे कि हम मर गए, क्योंकि अभी आगे कुछ सांसें चल रही हैं, हम अगली सांसों को देखकर माजी की मौत को तस्लीम नहीं कर रहे। हकीकत में जिस वक्त में हम वापस नहीं जा सकते वहां हम मर चुके, और जब हतमी मौत आती है तो फिर चुके आगे जाने का जमाना घड़ी रुक जाती है, इसलिए लोग ऐलान करते हैं आज वफात हो गई, वरना हर सांस के साथ हम वफात पा रहे हैं। सलाम इंसान को फसारे में धकेल रहा है।
भाई साइंटिस्ट ने भी बहुत टाइम पे काम किया, फिजिक्स हमने कुछ पढ़ी किसी जमाने में पढ़ी, और उसमें थ्योरी ऑफ टाइम, रियलिटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, बहुत हमारे से बहुत काम किया माशाल्लाह कमाल। लेकिन हैसियत अगर आप लॉजिकल नापतोल पे आए तो हैसियत यही है जो मैंने अर्ज की। बस अब एक बात कहने जा रहा हूं, मायूसी तो बहुत है जुमले में कि ना माजी काम आया, हाल इतना कलील है कि जुमले के बाद माजी बन जाता है। मुस्तकबिल वो है कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें अपनी अगली सांस का पता ही नहीं है। हाँ, इस धुन में लगे रहो, अपने हाल को सर्फ इस अंदाज से करो कि आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। ये एक इग्नाइट किया गया है, एक सिमुलेशन दी गई कि आप मायूसी से बच जाएं, और अगर आज जो कुछ आपके पास वक्त हासिल है इसे सही अंदाज में सर्व करना सीख जाएं ताकि मुस्तकबिल बन जाए। मगर जैसे ही मुस्तकबिल आपके पास आता है पहले हाल बनता है, और जैसे ही सांस खत्म होती है माजी बन जाता है। तो वक्त की कोई हैसियत नहीं, इंसान खसारे ही खसारे में है। हां, ना सही, ना सही हमारे इख्तियार में माजी, ना हो किसी के पास माजी, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना सही हमारे बस में हमारा हाल, ना सही हमारे बस में हमारा मुस्तकबिल, मगर अगर कोई ऐसा मिल जाए और उसका साया मिल जाए कि वो डूबे हुए सूरज को निकाल के ले आए, तो वे एक बार का यकीन हो जाता है कि अगर हम उसकी अमान में हैं तो माजी भी महफूज है, जो इस तरह से रहेगा
तो हम उसके जामिन है, उसका मुस्तकबिल हमारे साये में है, जो हमारी विलायत का दम भरता है, जो हमें तनहा नहीं छोड़ता दुश्मनों के नजरे में, जो हमारी नुसरत के लिए को अपने नफ्स को अपने इल्म को तैयार रखता है, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ मुस्तकबिल हो गया महफूज। तो इमाम ने ये सूरज, डूबा हुआ सूरज जिसके इशारे से वापस आया था, उसमें मैसेज कह दिया था। लोग कह सकते हैं सिर्फ एक नाउज बिल्ला समझाने के लिए, ये कर्तव्य दिखाना था दुनिया में। हमारे आइन में तालीम सिर्फ शोमेंट के लिए मौजूदा नहीं दिखाते, हम तो ये भी कर सकते हैं। और ये पहली बार जो सूरज वापस आया था रसूल के कहने अली के लिए, और दूसरी बार फिर अली ने सरजमीन बाबुल में, अली ने उसी तरह जब नायब रसूल थे तो फिर अली ने कहा फिर रब शम्स हुआ। तो दो बार मेरे मौला, एक दफा रसूल अल्लाह के कहने से, एक दफा मेरे मौला अली ने खुद सूरज को वापस करवाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हकीकी वारिस रसूल कौन था। इसके कहने पे रसूल की तरह सूरज इताअत है। अच्छा, तो अब इसमें भी कोई नुमाइश नहीं थी कि ये देखो हम ये कर सकते हैं, उसमें भी एक मैसेज था, जैसे आयतों में मैसेज होते हैं, इनके आमाल इनके अफकार में मैसेज है, ये कुछ करें उसमें भी आयत कितना मैसेज होगा, यानी वो एक फिजिकल आयत होगी, अमली आयत होगी, सिर्फ लफ्जी आयत जो ये कर रहे हैं। तो इसलिए बुलाया देखो मुस्तकबिल के लिए, तो हमसे तमस्सुक करने वालों को नबी दी जा चुकी है कि तुम हमारे साये में रहोगे, तुम्हारी आखिरत महफूज होगी, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज होगा। लेकिन अगर याद रखो ये अमल बता रहा है, ये मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मुस्तकबिल तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन अगर हमसे तमस्सुक रखा तो माजी में जो कुछ हो, माजी बिगड़ चुका है, उसे भी हम वापस ला के दुरुस्त कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि फिर दोबारा अपने रास्ते से फटक मत जाए, और बनने के बाद फिर जान दे दे वापस न जाए। उनकी मिसाल रख देते हैं, ये नहीं कि आज भी और बने और फिर एक दो महीना नऊज बिल्ला उर्मिला बन जाए, शिमर बन जाए, और फिर जब मुहर्रम आया फिर क्या मैं फिर और बन गया, ऐसा नहीं है। और भी जिंदगी में फैसला करके एक ही बात, और बनने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता, सिर्फ मुस्तकबिल में कदम रखना। तो खसारे से बचने के लिए ऐसे इमाम की जरूरत है, जमाना तलाश करके ले इमाम को। जमाने की जिम्मेदारी सिर्फ शियों की नहीं, फिर ऐसा इमाम ले आओ कि जो जामिन बन जाए माजी का भी मुस्तकबिल का, तो माजी भी कारामद हो जाए मुस्तकबिल भी कारामद। और हाल ये कैसे होगा कि जब हाल आपका इमाम के हाल से मिल जाएगा, बस ये मैसेज है। अब देखें लोग इस रिवायत को झुठलाते भी रद्द शम्स पर, लोगों यहां तक कहीं नहीं ये रिवायत कमजोर है, हमारे यहां भी ऐसे लोग पैदा हो गए, तहकीक के नाम पे कुछ ऐसी किताबें लिखते हैं कि नहीं इसमें वुडू हो गया, इसमें ये हो गया वो, और दूसरी तरफ के लोग तो ये हमारी तरफ के मुनहरिफ लोग तो इस सदी की पैदावार है। तो जो इस सदी की पैदावार है वैसे ही अपने आपको अपना चेहरा देख लेते, तो जब भी उसके साथ फरिश्ते कुछ लिखेंगे कहेंगे आखिरी जमाने की पैदावार है, चाहे वो कितना बड़ा अपने आप वालन कह, क्योंकि नाराज कर रहा है आपका ऐसे माजी से, असीरी की बात नहीं है, माजी के वर्षे का इनकार नहीं किया। तो जो माजी के अकायद को तोड़ के नया रास्ता दिखाना चाहिए, नहीं ये रिवायत जो मुतवातिर है अब तक इनकी तहकीक नहीं, ये नहीं मुस्तनद नहीं है, इसमें कोई वुडू है, इनके ख्याल में वुडू है, तो इनका ख्याल लाजमी नहीं कि अल्लाह का ख्याल, लाजमी नहीं कि रसूल इमाम का ख्याल, कई इल्म कई ख्याल पैदा करते हैं, उन ख्यालों में ये भी ख्याल है। लेकिन ख्याल का बरहक होना उसके लिए कुछ दलायल कुछ असबाब कुछ जमानतें चाहिए, और किरदार मासूम से बड़ी कोई जमानत नहीं।
मोजज़े का जो इनकार करता है तो उसका अपना जाती ख्याल है कि मोजज़े का जिक्र करने से वजू हो जाए। अब वो जो इनकार करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, यानी 14वीं सदी के या 15वीं सदी है, ये जो भी सदी है आखिरी सदी कह रहे हैं, तो इस सदी की पैदावार जो लोग हैं वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो जो पुरानी सदियों की पैदावार जिनके इमाम पुरानी सदियों में आके शुरू ही से अली के मुकाबले में बैठ गए, तो उनके यहां 1400 साल से दबा दबा इनकार भी है। यकीन कीजिए उम्मत मुस्लिमा का मिजाज ऐसा ठार दिया गया कि इतनी बड़ी रिवायत का इनकार कर दिया जाता, वरना अगर यही क्यों इनकार किया जाता कि इसमें अली का जिक्र आता है, अगर यही वाकया किसी और से मुतालिक होता, किसी और सहाबी की इन्वॉल्वमेंट भी होती इस वाकया में, तो यकीन कीजिए सारी मस्जिदों में हर रूम में यही पढ़ा जा रहा। दुश्मनी सिर्फ अली से अली का जिक्र आया, फिर कहते अच्छा अली को मौला का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहले सुन्नत के उलमा ने ऐसी तकरीरें मीडिया में उनकी आ रही हैं कि उन्होंने बताया, इकरार किया कि कुछ भी हो आप किसी को अच्छा या बुरा कहें या ना कहें लेकिन अली को मौला कहना पड़ेगा। और हमारा सलाम है उनकी सूरत इल्मी को, इस दयानतदारी को वो हक बयान कर रहे हैं। सलावत करो है और मौला के लिए तराजा
इसको भी बामियार वलूम लेकर आते, मौला कायनात अली को कहते, तो उनसे हम पूछे कि क्या रसूल अल्लाह को रहमत अल आलमीन है ना, वो कायनात और आलमीन दोनों बराबर के लफ्ज है ना, अमवानी है ना, तो रसूल रहमत अल आलमीन कुरान में लिखा हुआ है, तो क्या आप रसूल को मौला कायनात मानते हैं? तो हाँ हाँ रसूल को तो मानते हैं, वो मौला कायनात हैं। तो भाई फिर रसूल ही ने तो कहा था मन कुन तो मौला हो फहादा अलियुल मौला। रिवायत को बतौर रिवायत कोई नहीं झुटला सकता, बाकी रिवायतों में पत्ते डाले जाते हैं लेकिन इसको नहीं झुटला सके, इसे मुतवातिर हदीस कहा जाता है। वो कैसे, बस जल्दी समेट रहा हूं, मुझे इन्हीं 10 मिनटों में मसाइल भी अर्ज करने, आखिरी बात है गुफ्तगू की, कि रसूल ने ऐसा मुकाम मुंतखब किया फतह मक्का के बाद जब पहले हज को गए तो खुतबा हज अलग रखा, खुतबा गदीर अलग रखा, एक तमाम रसूल देखी और अल्लाह का अल्लाह के हुक्म से तमाम हो रहे हैं सारे। भाई कितना आसान था रसूलुल्लाह सहारा में इतने लोग रोकने की बजाय, जब ये ऐलान सुनाना ही है तो काबा की चार दीवारी में सुनाते। रसूल ने कहा ये उसे मैं इस कौम के मिजाज को जानता हूं, ये खुतबा गदीर की अहमियत को खुतबा हज आखिर में छुपा देंगे, जबकि मैं इसे अलग से इसकी पहचान करवाना चाहता हूं, इसे किसी दूसरे खुतबे के साथ मिक्स करके गुमशुदा खुतबा नहीं बनाना चाहता, इसकी शान अपनी है, ये अलग एक मुकाम होगा। और फिर गदीर को मुंतखब किया और ऐसी वादी को मुंतखब किया टेक्निकली कि जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं और अगर मरकज में खड़े होकर बात करें तो पहाड़ियों की वजह से वो एक ऐसा इलाका बन चुका कि वहां आवाज गूंज के दूर दूर तक फैलती। गोया फितरत ने उस जगह को खल्क ही इस दिन के लिए किया। दूसरी यानी इख्तिसास आप देखिए, रसूल अल्लाह ने गदीर को हज से अलग किया। जहां हम रोते हैं मसाइल मासूमीन को के मदीने में जगह न मिली, बेवतन से फली है या अली के बेटे, एहसास तो बहुत, लेकिन मासूम के मसायब में भी कुछ हिकमतें होती हैं। अगर अली भी मदीने ही में दफन हो जाते, हुसैन भी मदीने ही में दफन हो जाते, तो जो कुछ आज बाकी मुकद्दसात के साथ हो रहा ये आफ्ताब भी नजरों से उजल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अली ने अलग नजर को आबाद करके बताया, हुसैन ने करबला में अपना आस्ताना बना के दिखाया, इमाम अली रजा ने गरीब और गुरबा भी कहलाया, मगर यहाँ ईरान में आके अपना आस्ताना बना के दिखाया कि हम सारे मोहम्मद हैं, यही नहीं कि हमें अहमियत पाने के लिए मदीने का रुख करना पड़ेगा, हम सारे मोहम्मद हैं, मोहम्मद के टुकड़े हैं, हम जहां जाएंगे गुंबद ए खिज़्रा की तरह जगमगाएंगे, ये मोहम्मदियत के टुकड़े कुल्ला मोहम्मद के मिस्ताक। अली की अपनी पहचान ना हो सकती लगाने को, और जो बड़े शौक से गसब से या किसी दबाव से वहां दफन हुए, क्या हाल है, कोई है यहां से नियत करके जाए $5,000 फलां की ज़ियारत के लिए जा, जो भी कहेगा नहीं जा रहा रसूल के लिए जा रहा। हाँ सुभान अल्लाह, वहां खड़े खड़े नजर पड़ जाए तो ठीक है, ये भी रजी अल्लाह, लेकिन क्या कहने हुसैन के मदीने में जगह तो ना मिली, मगर हुसैन सारा साल तड़प तड़प के लोग हज और ज़ियारत मक्का मदीना से बढ़ के प्यास के साथ तैयारी रखते हैं कि हम हुसैन की ज़ियारत, हम अली की ज़ियारत है। अभी मसाइल आया नहीं, बस एक बात है रसूल अल्लाह की वो हिकमत है, रहना जाए बस सुनने अगर इजाजत है, तो गदीर को चुना जगह तो महल्ले वक्ू ऐसा कि जहाँ सारे रास्ते इकट्ठे हो रहे फूट रहे हो, वहीं से जो आगे चले गए वापस बुलाए बुलाए गए, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। मिंबर क्या था, मिंबर भी सारे मिंबरों से मुख्तलिफ,
अगर चाहते तो शुरू से ही इरादा रसूल को इन्होंने कहा रखते थे ना हमारे किले के मुताबिक, तो मिंबर उठवा देते साथ ही, हज में साथ ही रहता वापस लाके मिंबर रख देते। नहीं फरमाया कि नहीं उस जैसा नहीं करना, हर काम यूं होगा कि इम्तियाज नजर आएगा, जगह भी ऐसी मान ले वो भी ऐसा, मिंबर भी बनवाया तो खजाओं को, और पता है कि इस मिंबर को बनाने वाले मजदूर कौन थे, तारीख में नाम लिखे हुए हैं, जनाबे अबू जर, जनाबे सलमान और जनाबे हमारे यासर, इन्होंने ही वो मिंबर बदीर बनाया। और जब ये फिर मिंबर पे खड़े हुए, कबीर खुतबा दिया, जोर की नमाज पे शुरू किया, पहले नमाज हुई फिर खुतबा दिया, कबीर खुतबा खुतबा अजीम पढ़ने के लायक है, मुसलसल कोई खुसूसी सिलसिला चाहिए कि सिर्फ खुतबा अजीम पर 10 दिन अगर अजज़ा में गुफ्तगु हो तो खुतबा खत्म नहीं। और उसका ततिमा ये था, हासिल ये था, मन कुन तो मौला कहा गाली है, क्या शेरीनी है इस जुमले, जैसे सूरह कौसर में ना मानने वाले भी कौसर का बदला न ला सके, इसका स्ट्रक्चर तो जुमले का ऐसा है, मन कुन तो मौला हो बहादरा दी मौला, ऐसी शेरीनी है जब कहिए जुबान शीरी हो जाती है, रूह सरूर से भर जाती है, और एक नई कुवत कुवत ईमानी इंसान महसूस करता है इस जुमले से भला हो गया कुछ। और फिर देखिए आखिरी बात कर रहा हूं उसके बाद मसाइल, आखिरी नुक्ता जो इख्तिसास में, और भी बहुत से इख्तिसास हैं, वक्त नहीं शॉर्ट कर रहा हूं, एक बात जरूर सुन लीजिए कि रसूल ने एक और काम किया, रसूल ने 3 दिन लोगों को रोका। अच्छा लोग आदि थे उस जमाने में, फासले लगे हुए थे, अगर कोई मक्का से यमन जाएगा तो यमन वाले को इतने वक्त के बाद यमन में होने, कोई अफ्रीका वाला है उसे इतने वक्त के बाद मक्का के बाद अफ्रीका में होना है, कोई नजरान वाला है तो इतनी देर के बाद उसे नजरान में पहुंचता है। अब वक्त जो है वो नपा हुआ था, उस वक्त के सियानों ने बता दिया था, कैलकुलेट हो चुका था कि कौन सा फासला कितने वक्त में तय होता है, रसूल ने ये 3 दिन क्यों होगा, रसूल ने मिंबर ऐसा बनाया कि भूल ना जाए, रसूल ने मिंबर पे ऐलान इस अंदाज से किया अल्लाह को चुनने के भूल ना जाए, रसूल ने मुकाम वो चुना दावा में ऐलान नहीं किया कि गदीर भूल ना जाए, अब रसूल ने 3 दिन रोका इसलिए कि भूल ना जाए। अब जो लोग जो अहले वतन हैं वो अपने अपने हाजियों के इंतजार में खड़े हैं, जब ये लोग जाए तो पूरी बस्ती खड़े होकर पूछे ये 3 दिन ताखीर क्यों हुई, अगर असर गदीर को
हक पे वफा दे दिया जाता तो असरे आजूर के हालात पैदा ना होते। मवारदे लफ्ज़े आलासर में रदीद की असर भी है और आजूर की असर भी है और असरे इमाम जमान भी। ये तो मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, तफसील हूं। बस अब आज हम उसी एहतजाज का नाम है अदाकारी, उसी एहतजाज का नाम है मातम। गरीब को बुलाने वालों के रवैयों के खिलाफ एक एहतजाज है जिसका नाम है अदाकारी। एक कुर्सा है उन शहदा और मजलूमों का कि जिन्हें गरीब का हक भी नहीं दिया मगर इंतकाम गरीब इस तरह से लिया कि करबला बनती चली। ये करबला इंतकाम है उम्मत का रसूल से अली को मौला कहने का इंतकाम है जिसका नाम है करबला। बस नारायण हुसैन, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, पांच वक्त में पांच मिनट मुझे सिर्फ मसाइब के लिए दें, कल इंशाल्लाह मसाइब की तफसीलात बढ़ेगी। तो वे आज बुलाई और फौजेश किया सब बस्ता हुई और एक रिवायत है कि इन दो शबों में हम औलाद हुसैन और बनी हाशिम की शहादतों से पहले कुछ अंसार हुसैनी के मसाइल जरूर पढ़ते हैं। हालांकि इतना वक्त ये करबला वाकया एक दिन का है, हमारी दस रातें नाकाफी रहती हैं करबला के मसाइल। अगर हम सारी मजलिस भी मसाइल पे पढ़ दें तो भी वो तमाम शोदा जो 72 शोदा मारूफ हैं और किताबों में 166 तक अस्मा मौजूद हैं शोदा के, उनमें से एक एक का कहीं किसी ने जिक्र नहीं सुना, मिंबर वाले कर नहीं पाते, फिर मखसूस शख्सियात जो मजलिसें होती हैं और एक एक की तजरी बयान हो, यकीनन ये 10 रातें बहुत नाकाफी हो। अजादारान हुसैन उम्र इब्ने साद ने लश्कर को खड़ा किया और सबसे पहले हमला किया गया तीरों के साथ। सूरह बलास में क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्या पैगाम था, आखिरी जुमले क्या है, वतवासौ बिलहक आपकी वसीयत करना और तवासौ बिस्सब्र सबकी वसीयत करना। आइए करबला में आपको सूरह बलास्र की तफसीरें चलती हुई दिखाई। उम्र इब्न साद से रह का वादा किया गया मगर कहा पहले सर हुसैन भेजो फिर रह के वादे पे अमल हो, मगर उस लईन ने जब ये अमल मुकम्मल हो गया उसके बाद उसने जब मुतालबा पेश किया कि सर हुसैन भी भेजा जा चुका तो उसे शहर बदर भी किया गया और वादा तोड़ के वो मुल्क रह का जो वर्क था जिसने लिख के दिया था डॉक्यूमेंट उसे फाड़ गया। तो किसी ने उम्र इब्न साद से उस जमाने में पूछा जब वो मारा मारा कर रहा था कि तू तो कह रहे को इब्न ज़ियाद का वो कागज और यजीद का वो वर्क दिखाता था जिसमें वादा था मुल्क रह का, क्या हुआ वो वादा और कहां गया वो वर्क। तो कम वक्त के मुंह से बेसाख्ता यही सूरा निकला वाला श्रीनल इंसान रखे खुश ठोकर मार। बस हुसैन यही वो शख्स था क्योंकि खसारे वाला था इसलिए इसने जब आगाज किया पहला तीर हुसैन के खेमों की तरफ इसने चलाया और इसने लश्करे अपने लश्कर अशकिया से एक बार की कहने लगा है लश्कर यजीद कूफा और शाम गवाह रहना। इतनी बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जितना भी लश्कर था
तारीख में है, कम से कम 30,000 25,000 लोगों को कहने लगा, 25,000 लोगों गवाह रहना कि हुसैन के खेमों की तरफ पहला तीर मैंने चढ़ाया। अल्लाह उस पर लानत करे। अब ये गवाही सिर्फ यजीद के दरबार में नहीं जाएगी, कयामत तक ये गवाही लिखी गई अल्लाह की बारगाह में, चाहे वो सारे खसारे वाले थे मगर एक खसारे वाला दूसरे खसारे वाले के खिलाफ गवाही दे रहा होगा, इसलिए हमें गवाह बनाया था, पहला तीर इसने चढ़ाया था। खेमा रिसालत की तरफ, खेमा इमामत की तरफ, खेमा इस्मत की तरफ ये पहला तीर चढ़ाया था। और हुसैन बार बार जब किसी को विदा करते थे, खुसूसन जब अली अकबर को विदा किया, तो हुसैन ने जमाने को गवाह नहीं बनाया, क्योंकि जमाने वाले और जमाना इस लायक नहीं कि हुसैन ने गवाह बनाया इस बात पर। हुसैन ने उस वक्त सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया, ए अल्लाह गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं। इस सूरत में किरदार में गुफ्तार में तेरे रसूल की शबीह है। आवाज आई, पूछा क्यों रो रही हो, ताकि अभी यहाँ आप
आपके देरीना साथी जनाब मुस्लिम इब्ने औसिया जनाब मुस्लिम इब्ने औसिया अभी आप पूरी हालत में थे, ज़ईफ थे, और ये कर्बला के दिन का पहला शहीद है जनाब मुस्लिम इब्ने औसिया। जनाब मुस्लिम इब्ने औसिया इनका जिक्र आता है तारीख में, ये भी वो कनीज कहती है कि मैं उनकी कनीज हूँ, उनको भी खेमे के अंदर ले गई हूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है, तड़प रहे मौला तेजी से चलते हुए, जैसे मुस्लिम इब्ने औसिया का नाम आया मौला भी बड़े अभी इब्ने मौला के पुराने दोस्त थे मुस्लिम इब्ने औसिया के, मौला की मैयत में बेचैन हो के बड़े जब गए देखा कि आखिरी सांसें हैं, हिचकी आ रही है।